हेलो बच्चों, एमएसडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब समझ लेते हैं बेसिकली बाइनरी फ्रैक्शन हमारे होते क्या। जो बाइनरी फ्रैक्शन होते हैं हमारे, जैसे कि कोई फ्रैक्शन है हमारा बाइनरी 1011.011, ये हमारा कोई बाइनरी फ्रैक्शन है। बेसिकली हम इन्हें फ्लोट नंबर कहते हैं। अब जैसे कि ये फ्लोट नंबर है, क्या होता, पार्ट होता, दो चीजों से मिलकर बना होता। एक होता हमारा इंटीजर पार्ट और दूसरा होता है हमारा पीछे वाला फ्रैक्शनल पार्ट। अब देख लेते हैं कैसे हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें। जो हमारे डेसिमल नंबर होता है, इसका बेस होता है 2, से कन्वर्ट करना है हमें बेस 10, यानी कि डेसिमल नंबर। अब देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, जो इसका इंटीजर पार्ट है उसे एक साइड ले लो, 1011। अब पिछली वीडियो में बताया था हमें पीछे से क्या करनी है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग करनी है, यानी कि 0 से 1, 2 और 3। अब ये बाइनरी नंबर है तो इसका जो बेस रहेगा हर समय 2 रहेगा। तो हिसाब से देख लेते हैं, नंबर लिए यहाँ से 1 मल्टीप्लाइड बाई बेस 2 पावर आएगी इसकी ऊपर वाली 3, प्लस यहाँ से 0 लेंगे, अगेन बेस 2 पावर आएगी ऊपर वाली 2, प्लस अब यहां से 1 लेंगे और इस बार अगेन बेस 2 पावर आएगा ऊपर वाला 1, प्लस ये 1 लिया, बेस 2 पावर आएगी 0। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे, 1 × 2 की पावर 3 8, प्लस 0 है पूरा नंबर, यानी कोई भी नंबर हो उसे 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा, प्लस 1 × 2 प्लस, अब यहां पे देख लो 1 × 2 की पावर 0 है। अब मैथ्स का एक बेसिक रूल है, जैसे कि 99 कोई नंबर है उसकी पावर 0 है, अगर कोई भी नंबर हो, n नंबर है या 99 नंबर है, उसकी पावर अगर 0 है तो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 के होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हिसाब से क्या होगा, ये 1 × 2 की पावर 0 यानी कि 1। अब देख लेते हैं 8 × 1 यानी कि 8 + 0 + 2 + 1। अब आगे 8 + 3 आंसर आया, यहीं पे लिख लेता हूं आगे 11 base 10। अब ये था हमारा इंटीजर पार्ट। अब देखना है हमें फ्रैक्शन पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। अब देखो सेम, अब फ्रैक्शन पार्ट को लिख लेते हैं, जैसे कि हमारा 0.01। अब फ्रैक्शन पार्ट में होना क्या है कि इसमें लेनी हमें नेगेटिव इंडेक्स, जैसे कि -1 -2 -3, मतलब लेफ्ट से -1 से स्टार्ट होगा और राइट पे जाएगा इंक्रीजिंग, मतलब -∞ जितने तक आपका नंबर। अब देख लेते हैं, 0 तो था इधर इसलिए इधर आया -1, अब 0 बेस 2 आएगा पावर आएगी -1, प्लस 1 × बेस 2 आएगा पावर होगी उसकी -2, प्लस 1 × बेस 2 होगा पावर होगी इसकी -3। अब देख लेते हैं, ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 + 1 × अब ये है 2 की पावर -2। अब 2 की पावर -2 किसके बराबर होता, होता है 1/4 के बराबर, प्लस 1 × 2। अब 2 की पावर -3 किसके बराबर होगा, 1/8 के बराबर। उस हिसाब से अब ये देख लेते हैं हमें कितना आएगा, ये आएगा 0 + 0.25, और ये आएगा आपका +0.12। क्या हमें देखा हमारा है 0.125। अब इन तीनों पार्ट को हम ऐड करेंगे, सम करेंगे। अब यहां पे देखो हमारा था, एक पार्ट था हमारा 0 और एक हमारा 0.25 और अगला हमारा 0.125। अब इसे हम सम करेंगे, सम करके 5 आया, 5 और 2 7 आया, 2 और 1 3 आया,
ये पॉइंट ऐसे आगे गया ऐसा ऐसे। अब लास्ट में ये भी हमारा डेसिमल पार्ट है। अब दोनों पार्ट को हम आपस में मर्ज कर देते, मर्ज करके हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इसका जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वह है हमारा 0.375। अरे पिछले वाले का शायद हमारा आया था लास्ट में 11। अब दोनों पार्ट को आपस में मर्ज करके फाइनल आंसर क्या आएगा, 11.375/10। ये आया हमारा फाइनल आंसर इस डेसिमल फ्रैक्शन को, सॉरी ये बाइनरी फ्रैक्शन को जब हमने डेसिमल कन्वर्ट किया तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया 11.375/10। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कैसे हमने बाइनरी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया, वहां हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। एग्जांपल के लिए हम कोई डेसिमल फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे कि हमारा 21.1 क्या है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। इससे पहले आपके पास बताया जो डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि फ्लोट नंबर है हमारे, ये दो नंबर से मिलके बने, एक हमारा इंटीजर पार्ट और एक हमारा पीछे का फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ले लेना है कौन सा हिस्सा, आपका लेफ्ट वाला यानी कि इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट है हमारा 21। अब पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कैसे हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसके लिए क्या करते हैं ऐसे लिखा। अब उतने के बाद क्या करना है, इसे सक्सेसिवली 2 से तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक यहाँ लास्ट में 1 ना आ जाए। अब 2 से करेंगे डिवाइड, सॉरी अब देखो 2 बचा 1 0 यानी कि 2 10 20। अब 21 में से 20 जाता है तो रिमाइंडर बचा हमारा 1। अब जो रिमाइंडर हमारा रिमेनिंग आया वो लास्ट में लिखना है यहाँ पे। उतनी बार 2 से लिया, 2 5 10 रिमाइंडर 0। अब 2 से फिर से लेंगे, 2 2 4 रिमाइंडर 1, 2 1 2 रिमाइंडर 0। पिछली वीडियो में जैसा कि आपको बताया था, इससे पहले भी बताया कि लास्ट में यहाँ 1 आना चाहिए। अब यहाँ लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब ये हमारा 21 का रिक्वायर्ड आंसर होगा। अभी आएगा हमारा कैसे लिखना, कैसे नीचे से ऊपर को, यानी कि 1 0 1 0 1 ठीक है base 2। अब ये था हमारा इंटीजर पार्ट। अब देखेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, लास्ट में दोनों पार्ट को हम मर्ज करते हैं। अब हमारा फ्रैक्शनल पार्ट वो है 0.1। यहाँ हमने डिवीजन का यूज किया, अब यहाँ हम मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे, जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 ये आया इक्वल में लिख देता हूं मैं 0.2। अब यहाँ करना क्या है कि जो इंटीजर पार्ट है वही यहाँ लिखना। अब 2 1 2 करने पे 0.2 आंसर आया, इसका इंटीजर पार्ट 0 है तो 0। अगला आएगा हमारा क्या 0.2 × 2 या हमारा 0.4, इसका होगा यहाँ फिर 0। अगला आएगा हमारा 0.4 × 2 = इसका है हमारा 0.8। अगेन यहाँ 0 आया, फिर दोबारा 0.8 × 2 = यह हमारा 1.16, यहाँ से हमारा 1 आया। अब क्या करना है, हमें तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक कि डेसिमल वाला पार्ट हमारा यानी कि फ्रैक्शनल वाला पार्ट हमारा 0 ना हो जाए। अब करेंगे क्या, इसमें से फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा डेसिमल पार्ट है 0.6 × 2 = 6 × 2 = 12 यानी कि 1.2। अगेन हमारा 1 आया, फिर से लेंगे 0.2 × 2 = हमारा फिर से 0.4 यानी कि फिर से 0। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर अगेन रिपीट हो रहे, तो इसलिए आप इस आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा यानी कि इस पार्ट का जो आंसर है वो आया हमारा, इसे ऊपर से नीचे को लिखना है, जैसे कि आया हमारा 0 0 0 1 1 0। अब दोनों पार्ट को हम आपस में कंबाइन कर दें और जो फाइनल आंसर आएगा हमारा रिजल्ट आया था वो था हमारा 1 0 1 0 1। और जो हमारा पीछे वाला था 0.1 वाला हिस्सा, इसका जो हमारा फाइनल आंसर आया था वो था हमारा 0.0110। ठीक है, अब दोनों पार्ट को हम आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे यानी कि मर्ज करेंगे। जैसे कि हमारा ये 1 0 1 0 1 यहाँ पॉइंट लगेगा क्योंकि यहाँ बीच में पॉइंट था, लास्ट वाला हिस्सा आपका 1 0 0 0 1 1 0 लास्ट में लगा देंगे हम बेस 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लास्ट
रिक्वायर्ड आंसर। अब देखते हैं एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेके। जैसे कि हमारा 15.2 का बेस है 10 से कन्वर्ट करना हमें बेस 2 में। अब देखेंगे हम कैसे इसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले बताया है आपको कि पीछे का लेना है हमें कौन सा इंटीजर पार्ट 15, इसके लिए हमें कौन सा डिवाइड वाला तरीका यूज करना, लिखा है आप 2 7 14, 15 में से 14 गया बचा 1, 2 3 6 बचा 1, 2 1 2 यहाँ बचा 1। मैंने बताया था लास्ट में यहाँ पे 1 आना था। यहाँ आ गया हमारा इस वाले हिस्से का रिक्वायर्ड आंसर। अब देखते हैं हम ये वाला हिस्सा यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट जो कि हमारा 0.2। अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे 0.2 बताया था इसलिए मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। 0.2 × 2 = 0.4, इसका जो आया हमारा 0। फिर बारी आई 0.4 की जो कि होगा हमारा क्रॉस 2 से करेंगे, फिर आएगा हमारा 0.8, ये आएगा हमारा कितना 0.8 और 0.8 का आएगा 0, फिर हमारा 0.8, फिर ये 2 से अगेन होगा जो कि आएगा हमारा 8 × 2 = 16 यानी 1.6 विच इज इक्वल टू, फिर आएगा इसका 1। मैंने बताया था इसमें हमें क्या फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करके रखना है, तो फ्रैक्शनल पार्ट है इसमें हमारा 0.6 × 2 जो कि होगा अगेन 1.2 इक्वल टू, अब इसका इंटीजर पार्ट लेकिन आए तो आया हमारा 1। अब फिर से 1.2 को लेंगे यानी 1.2 को लेंगे 0.2 को लेंगे, तो यहाँ से हम लेंगे 0.2 क्योंकि 0.2 हमारे यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट है, तो लिखा हमने 0.2 × 2 इक्वल टू अगेन 0.4। फिर से आपने देखा होगा जो नंबर है वो रिपीट होने शुरू हो गए, तो इसके लिए आप अपना आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके लिए। तो हमारा यहाँ से लिखना है अप टू डाउन, ठीक है। तो यहाँ का आंसर आया हमारा 00110 बेस 2। अब दोनों पार्ट को हम आपस में कंबाइन करते हैं। अब यहां देख लो 1 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
वन जीरो बीस टू, यह आ जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।